गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास लेक्चर 43 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 संज्ञा पढ़ रहे थे। आज हम लेक्चर 43 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपने बच्चों पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ अपनी बुक में देखेंगे चित्र को, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री, ताजमहल और भारत, ये यहाँ व्यक्ति, विशेष, स्थान का नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, ये सभी नाम एक ही जाति की वस्तुओं तथा प्राणियों का बोध करा रहे हैं, यह सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आप यहाँ चित्र को देखेंगे, पक्षी है, लड़का है, फूल है, ये सभी एक ही जाति, यानी पक्षी जाति का यह है, लड़का है लड़का जाति का, यहाँ फूल है फूल जाति का। यानी कि जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। बच्चों, अब आप पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक संज्ञा, जो शब्द वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराएं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, भीड़ है, सेना है, कक्षा है, ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा है। अब आप यहाँ देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, दूध, सोना, तेल इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, अब आप यहाँ चित्र को देखेंगे, मित्रता है, बचपन है, मुस्कुराहट है, बुढ़ापा है, जीत है, डर है, ये सभी चित्र में भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, मित्रता, बचपन, मुस्कुराहट, ये सभी, बुढ़ापा, ये सभी भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये आपको भाववाचक संज्ञा है। अब बच्चों, आप भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, भाववाचक शब्दों संज्ञा शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, तो आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों, यानी जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम, इन शब्दों से बनाई जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे भाववाचक संज्ञा में, आप देख रहे हैं, बच्चा है तो इसका बचपन होगा, मीठा है तो मिठास होगा, सुंदर है सुंदरता है, कठोर है कठोरता है, लिखना है लिखाई लिखावट है, थकना है थकान थकावट, चलना चाल, मानव मानवता, लड़का लड़कपन, चतुर चतुराई, युवक यौवन, मित्र मित्रता, मैत्री, खेलना खेल, हंसना हंसी। तो आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से तथा सर्वनाम से बनाई जाती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में संज्ञा चैप्टर में सीखा कि किसी स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज आप लेक्चर 43 में हिंदी ग्रामर में आपने चैप्टर 3 संज्ञा चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।